अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुलबहार व्लॉग। तकरीबन काफ़ी अर्सा ही हो गया था मैं आया नहीं था चनेट में घूमने के लिए, थोड़ा सा दरिया के पास पास खूबसूरती को एंजॉय करते हुए। तो दरिया के किनारे पे बू अली कलंदर, आपने नाम सुना होगा, उनकी शिला का यहाँ पे साथ में पहाड़ी है एक, और साथ में जो चनेट का दरिया है, दरिया चनाब, वो बहता है। तो बड़ी खूबसूरती, एक पिकनिक पॉइंट है। मैंने कहा चलें खुद भी घूमते हैं, रिफ़्रेश होते हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत चीज़ है ये। ये देखें किस तरह के दरख्त लगे हैं, ये दरबार की बैक साइड पे है। ये देखें कैसा खूबसूरत मंजर है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं आपको दरबार की बैक साइड भी दिखाता हूँ। ये दरबार की बैक साइड है, बड़ा खूबसूरत सिस्टम बनाया इन्होंने। कवाली अंदर से आवाज़ आ रही है आपको, ये बैक साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं दरिया के पास जाके। ये जनाब चिल्ला गा हसा शरफुद्दीन बू अली कलंदर की चिल्ला गा का मैन एंट्रेंस है। अंदर तुम कई दफ़ा गए हैं, आज नहीं जा रहे। वैसे ही बड़ा खूबसूरत एंट्रेंस बनाया इन्होंने। ये चनेट की फेमस जगह है, बड़ी खूबसूरत। ये देखें कितना खूबसूरत, यानी कि दरिया के साथ ही सारा सिस्टम बना हुआ है। और इधर ये पहाड़ी है, मस्जिद है जो चिलागा के साथ बनी हुई है, और खूबसूरत मस्जिद है ये। वो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है जिसके ऊपर लोग जाते हैं, और इधर ये बैक साइड पे दरिया है सारा। इस साइड पे कोशिश करते हैं कोई रास्ता मिले, वहाँ पे चलते हैं, ज़रा दरिया में बैठते हैं। ये देखें हम दरिया चनाब के अंदर आ गए हैं। ये सारा दरिया चनाब है, वो सामने पुल है, और जो पानी है काफ़ी दूर चला गया है, वरना किसी दौर में पानी यहाँ से गुज़रता था। ये देखें दरिया के अंदर हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। एक किस्म का यहाँ पे बंद बना हुआ है दरिया का, पीछे हट जाओ। वो बंदे भी कह रहे हैं कि यहाँ से ये गिर जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी गहराई में है, और अगर जाना चाहें तो वो बड़ी दूर है, वहाँ से जाके ठीक है, यहाँ से जाना तो मुश्किल है सारा। ये है दरियाए चनाब, वो सामने स्टील का ब्रिज है, ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे से रेल जाती है। वो सामने पहाड़ी, और इधर ये जो है चिल्ला दरिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर है, वो देखें रेत किनारे से गिर रही है, इसलिए ना आगे नहीं जा रहे, यहाँ तक ही रखा है कि आगे कोई पता नहीं। ये देखें ये नज़र आ रहा होगा, वो देखें
ये बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं। बड़ बच्चों, शाम में पोली दिया, बड़ बड़ी है, बड़ शाम में पोली है, बड़ी है, काफी गहरा है, बच्चा नहा रहा है। कौन ही नहाता है? क्यों मंतारा की मतलब तरना कौन होता जिन्हें उतरता नहीं पिया उतर उतर यहाँ दरबार के किनारे पे या दरिया के किनारे पे ऊंट वगैरह बहुत हैं, ऊंट की सवारियां कर सकते हैं आप। बड़े खूबसूरत संगारे हुए ऊंट हैं, इन्होंने सजाए हुए ऊंट हैं। ये है इनकी आराम का, जहाँ से ये आपको ऊंट की सैर करवाते हैं। ये इनका अस्तबल है सबका, ये देखो क्या बात, ये देखें ये जनाब, इधर सारे घोड़े भी हैं। ये दरबार के बिल्कुल साथ है। ये है चनियोड़ का पुराना ब्रिज दी जो गोरू ने बनाया है। नीचे से रेल जा रही है और ऊपर से ये गाड़ियाँ जाती थी। ये देखो ये नीचे रेल का है, वो सामने देखें, इधर दरिया चनाब नीचे, इस साइड पे पहाड़ियाँ हैं जी। ये देखें और ये पुल है, पुराना पुल, वो नया पुल है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये पुराना ब्रिज। कंस्ट्रक्शन की खूबसूरती देखें अंग्रेज़ की, कि क्या किया है जनाब। ये देखें नीचे से रेल गुजर रही है और ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इसको इंजीनियरिंग कहते हैं जनाब। और आज से 100 साल पुरानी इंजीनियरिंग है, ये इतना पुराना पुल है। उस टाइम के जो इंजीनियर थे वो आजकल के जो पाकिस्तानी इंजीनियर हैं उनसे बहुत बेहतर थे, बहुत एडवांस थे। 100-100 साल चीज़ें गुजर जाती थी, ख़राब नहीं होती थी। और पाकिस्तानी इंजीनियर ये सड़क बना के जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है, और पुल भी तकरीबन 40-50 साल के बाद फारग हो जाता है, और इस पुल को बने हुए 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। ये है पुल जी, वो सामने चनियोट की पहाड़ियाँ हैं जी, जो कहा जाता है जी चनियोट की पहाड़ियाँ, तो वो हैं चनियोट की पहाड़ियाँ। उस पहाड़ी और उस पहाड़ी के दरमियान जो है ना, ये केबल कार है, वो सामने दरमियान में आपको जो छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी वो डोलियाँ हैं जिसमें बंदे कैरेज वगैरह करते हैं। उधर भी 2-3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं बस, और बीच में ये दरिया है। और इधर ये चिलागा, और इधर हम हैं। मूड तो था कि दरिया के अंदर जाते, लेकिन ऊंचाई काफ़ी है, ये रतीले टेले हैं, रेत के टेले हैं, तो गिर रहे हैं। तो 2-4 बंदे वो भी ये कह रहे थे कि किनारे पे ना जाएं, खुदा ना खास्ता गिर जाएगा तो फिर वो मसला बनेगा। दरिया इतना गहरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात करते हैं, वरना मेरा मूड तो था कि दरिया के अंदर जाते। चलें कोई नहीं, नसीब की बात है। मेरे जहन में तो था कि आज से कुछ 4 साल पहले आया था तो दरिया यहाँ से गुजर रहा था, तो तब तो पानी कुछ नहीं था, दरिया के अंदर घूम फिर के काफ़ी आगे तक गए थे। तो आज जो दरिया है वो काफ़ी दूर है और काफ़ी नीचे है, ढलान काफ़ी बन चुकी है, इसलिए नहीं जाते यार।
आए चलते हैं, देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर जाने का मूड हुआ तो जाएंगे। अगर गया तो आपको साथ शेयर करूंगा वीडियो, अगर ना गया तो ना सही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।